हेलो गाइस, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी सीक्रेट बिहाइंड माय स्मूथ सिल्की एंड फ्रीज फ्री हेयर। तो ये होम रेमेडीज है, ज़्यादा मतलब सिर्फ दो प्रोडक्ट है, वो भी इजीली अवेलेबल होता है सबके पास, मतलब बहुत ही आसान है। तो कुछ ज़्यादा मत बोलते हैं, चलिए चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले अपने हेयर को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद एक साइड को अच्छी तरीके से क्लिप लगा दीजिए ताकि इस साइड के हेयर उस साइड में ना आए, ताकि मेस कोई क्रिएट ना हो इसलिए। उसके बाद जो दो चीज़ चाहिए होगी वो है एक एग और कर्ड, मतलब अंडा एंड दही। तो सबसे पहले आप अंडा और दही को बहुत अच्छी तरीके से एक साथ मिक्स कर ले। मेरे हेयर लेंथ ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट हेयर है मेरा, इसलिए मैं एक अंडा और थोड़ा सा ही दही ले रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से दो अंडा भी ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा होंगे तो तीन, नहीं दो आई थिंक सही रहेगा। तो अब अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से दोनों को एक साथ अच्छी तरीके से एकदम मिक्स कर ले और आपका हेयर मास्क बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद पूरे बालों पे अच्छी तरीके से मास्क को लगा ले, मतलब कोई भी हिस्सा छूटे नहीं, अब ध्यान रखिएगा। लेकिन स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ बालों पे पूरा ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी तरीके से पूरा लगा ले, दोनों साइड पे ही। एक साइड पे लगाने के बाद दूसरे साइड पे लगा ले। उसके बाद बालों को एक बन बना ले। इसको 20 मिनट तक रखना है। 20 मिनट के बाद अपने शैम्पू और कंडीशनर से अच्छी तरीके से बालों को धो ले। बालों में थोड़ा सा एक का स्मेल रह जाता है, तो अगर आप कोई भी सीरम यूज़ करते हैं तो अच्छी तरीके से उस सीरम लगा ले तो स्मेल एकदम चला जाएगा। फिर मैं अपने बालों को एयर ड्राई होने दूंगी, मैं ड्रायर यूज़ नहीं करूंगी। अब देखिए एयर ड्राई के बाद मेरा हेयर पूरा स्मूथ सिल्की और फ्रीज फ्री हो गए हैं। तो आप भी अपने घर पे ऐसा मास्क बनाइए और शैम्पू से पहले लगा लें, उसके बाद अच्छी तरीके से शैम्पू कर ले, कंडीशनर लगा ले, अपना फेवरेट सीरम यूज़ कीजिए, तो आपका हेयर भी ऐसे सुंदर सिल्की और फ्रीज फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाके लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।